हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सविता जीजी कुकिंग में। और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे हम जो पूजा में चढ़े हुए जो फूल होते हैं उनके द्वारा कैसे हम ये बत्ती बनाएं और इसको हम वेस्ट नहीं करें। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कैसे हम बनाएंगे। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि पूजा के फूल जो हमने माता पे चढ़ाए हैं या नवरात्रि में यूज़ किए हैं या कभी भी हम पूजा में फूल जो चढ़ाते हैं उसको हमें वेस्ट नहीं करना है। उसको हमने किसी नदी में नहीं फेंकना है, क्योंकि वो नदी में यदि हम फेंकते हैं तो वो साइड में आके कूड़ा बन जाता है। तो वो हमारे इतने श्रद्धा से चढ़ाए हुए जो फूल हैं उनको हम कैसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं माला ले रही हूँ, तो इसको हम ऐसे करके खोल लेंगे। तो इन फूलों को हम 2 से 3 दिन के लिए ऐसे धूप में सुखा के रख लेंगे। ये फूल हमारे अच्छे से सूख गए हैं, तो इसको मैं पीस लेती हूँ। तो सूखे हुए फूलों से हमारा ये जो पाउडर है ये रेडी हो गया है। इसके लिए ये गाय का गोबर लिया है, गाय के गोबर के उपला है। आपके पास अगर गीले गाय का गोबर हो तो आप गीला गाय का गोबर ले सकते हैं। तो शहर में अवेलेबल होता नहीं है, मार्केट में ही है, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसको मैं पानी में भिगो लेती हूँ। तो फूलों का पाउडर भी रेडी है और जो गोबर के उपले थे वो भी भीग चुके हैं। तो अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जो फूलों को मैंने पीस लिया था और जो हमारे गोबर को मैंने भिगो के रखा था, बनाने के लिए मैंने लिया है ये घी ले लिया है, थोड़ा कपूर ले लिया है और थोड़ी हवन सामग्री ले ली है। अब इन सबको हम मिला लेते हैं इकट्ठे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी ड्राई है। तो ये बाइंडिंग होना चाहिए, इतना हम पानी डालेंगे ताकि ये बाइंड हो पाए। ये सामग्री को सब मिक्स कर दिया है और ये रेडी है। बताते हैं, तो बत्ती बनाने के लिए मैंने लिया है एक दिया। दिए का शेप दे रही हूँ और बीच में हल्का सा गड्ढा बना दूंगी ताकि इसमें, तो इसमें हम कपूर रख सकते हैं, घी डाल सकते हैं। तो इसको दिए का शेप दे रही हूँ। तो और यदि आपके पास दिया नहीं है तो आप हथेली के बीच में ऐसे रख के बत्ती का शेप दे सकते हैं इसको, धूप का शेप दे दीजिए। इसको आप कोई और भी मनचाहा शेप दे सकते हैं अपना, जैसे ऐसे चकोर करके आप ऐसे करिए और बीच में हल्का सा खड्डा बना दीजिए कपूर रखने के लिए, घी रखने के लिए। ये देखिए, के लिए जो मैंने बत्तियां बनाई हैं वो तैयार हैं और इसको मैंने अलग अलग शेप में बनाया है। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से बनाइए। तो बत्तियां हमारी रेडी हैं, अब इसको हम धूप में सुखा लेंगे। कम से कम 2 दिन हमें इसे धूप में सुखाना है। 2 दिन के बाद ये हमारी रेडी हैं बिल्कुल बत्तियाँ, और ये बिल्कुल अच्छे से सूख गई हैं, ये देखिए, और ये बिल्कुल हल्की हो गई हैं। अब इसको हम स्टोर करके रख लेंगे। तो इसको हम स्टोर कर लेंगे, जब हमें ज़रूरत होगी तब हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो ये बत्तियाँ हमारी बनके तैयार हैं। तो मैं आपको ये जला के दिखाती हूँ कि कैसे हमें जलाना है।
तो इसमें बीच में एक कपूर रखिएगा, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी, इसमें हम जला लेंगे। तो इस तरीके से आप भी फूलों का इस्तेमाल करके बत्ती बनाइए। तो जलने के बाद धीरे धीरे इसका जो धुआं है वो चारों तरफ आपके घर में फैलेगा और जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी। इसमें हवन सामग्री है, घी है, कपूर है, फूल हैं और गाय का गोबर है। तो आप भी ऐसे ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। Thank you.